नमस्कार दोस्तों, इस देश में वीआईपी को जो ट्रीटमेंट मिलता है, स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, इससे उनके दिमाग ख़राब हो जाते हैं। विदेश में आप देखेंगे तो वहाँ के प्रधानमंत्री भी आम आदमियों की तरह ही वर्क करते हैं, चलते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई आदमी अगर गांव का प्रधान भी हो जाएगा तो उसका दिमाग ख़राब हो जाएगा। अभी अभी की जो घटना आपके जानकारी में आई होगी, आपने सुनी होगी, देखी होगी, द ग्रेट खली, नाम के आगे खली लगाते हैं, नाम है उनका दिलीप सिंह राणा। दरअसल जालंधर में रहते, वहाँ से करनाल आ रहे थे और जो टोल नाका था वहाँ पर एक कर्मचारी को चाटा मार दिया। कर्मचारी का कहना है कि हमने उनसे सिर्फ इतना कहा था कि आप अपना आई कार्ड दिखा दीजिए, जबकि खली का कहना है कि वो सेल्फी खिंचवाने की जिद कर रहे थे और जाति सूचक शब्द भी बोले और इसलिए मैंने चाटा मारा। ये जो वीडियो आया है उसमें आप देख सकते हैं किस तरह से कर्मचारी कह रहे हैं कि आपने किस बिहाब पर मुझे चाटा मारा। और उस समय भी जो ये खली है, द ग्रेट लगाते हैं, वो ज़बरदस्ती निकल के चले गए, जो बैरिकेडिंग कर रखी थी उसको हटा दिया और निकल के चले गए। पुलिस आई, पुलिस ने उनको निकलवा दिया। अब ये जो खबर आई है, हालांकि इस खबर में कोई खली की गलती नहीं बता रहा, इस खली के बाद स्पष्टीकरण भी आया है दिलीप सिंह राणा का कि वहाँ पर मुझे जो है ज़बरदस्ती रोका गया था, वो चाहते थे कि सेल्फ़ी ली जाए, उनको सेल्फ़ी दो और उसके बाद मुझे जाति सूचक शब्द भी इस्तेमाल करेंगे और इस तरह के जो लोग हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो ठेकेदार हैं उन पर कार्रवाई करें। दोस्तों ये समझिए आप बात को, एक जो कर्मचारी है जिसका टोल नाके पर ड्यूटी लगाई गई है, उसका काम है कि वहाँ पर वो लोगों को चेक करें, ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट हो तब उनको जाने दें। अगर उसने ये मांग ली तो कौन सी उसकी गलती हो गई? खली साहब को लगता होगा कि उसे तो पूरी दुनिया पहचानती है, पहचानती भी होगी, और इसके बाद अगर उन्होंने उनके साथ सेल्फी के लिए कह भी दिया तो उसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात हो गई? सबसे बड़ा क्राइम जो खली साहब ने इसमें किया है वो है हाथ चलाकर। उस कर्मचारी पर हाथ किस बिहाब पर आपने चला दिया, किस ताकत पर आपने उस व्यक्ति पर हाथ छोड़ दिया? आप सेलिब्रिटीज हैं, जो फाइनल में उन्होंने वीडियो जारी की है आप देख सकते हैं, इस वीडियो में भी इन्होंने कहा कि सेलिब्रिटीज़ के साथ जो बदतमीजी करते हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बदतमीजी तो किसी के भी खिलाफ हो सहन नहीं की जा सकती, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ये जो स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है ना यहाँ पर, आम आदमी को अलग रो, वीआईपी को अलग रो, उनके काम हो जाते हैं, आम आदमी लाइन में लगा रहता है, तो इससे जो इस देश की कल्चर है उस कल्चर का इन लोगों ने एग्रीकल्चर बना दिया है। तो यही वजह है कि इस तरह के जो वाक्य है सामने आते हैं। खली साहब पार्टी पॉलिटिकल लीडरशिप से भी जुड़े हुए हैं। इस तरह के लोग राजनीति में या सामाजिक एक्टिविटीज में चल पाएंगे? जो अगर आम आदमी उससे कह रहा है कि मेरे साथ सेल्फी ले लीजिए और वो उस तरह से इतनी छोटी छोटी जो घटनाओं पर वो गुस्सा हो जाते हैं और हाथ चला देते हैं, और इस पर कार्रवाई की तो मांग उन्होंने कर दी लेकिन अपनी गलती पर उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, जबकि माफ़ी मांगनी चाहिए थी। उन्होंने किसी के ऊपर हाथ चलाया था, किसी को चाटा मारा था, जिसकी इजाज़त बिल्कुल नहीं दी जा सकती। और सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे मामले पर मीडिया भी सिर्फ मौन बना हुआ है और सिर्फ यही घटना लिख रहा है कि उन्होंने ये कहा और उन्होंने ऐसा कर दिया। आपको किसने हक दे दिया किसी गरीब आदमी को या आम आदमी को चाटा मारने का? सवाल ये है। अब इस पूरे मामले में देखना होगा कि वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, बीजेपी के लोग भी उन पर कार्रवाई करते हैं न करते हैं, क्योंकि की जानी चाहिए। अगर आप किसी आम आदमी के खिलाफ इस तरह का व्यवहार करते हैं तो आपसे सामाजिकता की तो उम्मीद बिल्कुल नहीं की जा सकती। मैं तो दोस्त ऐसे ही सोचता हूँ, आप क्या सोचते हैं ज़रूर मुझे बताना, और बताना है कि इस तरह की जो वीआईपी कल्चर है इस देश में, उस कल्चर की वजह से इस देश के आम लोगों को कितनी परेशानी हो रही है। नमस्कार।